ये दो परस्पर विरोधी शक्तियों हैं। कंट्राडिक्टरी पावर्स, राग बढ़ता है तो मोह को जन्म देता है और मोह बंधन बनता है, बंधन बनाता है, कर्म बंध बनता है। राग का होना प्रकृति ने दे रखा है, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, माँ अपने बच्चे से राग करेगी ही करेगी, नहीं करे तो माँ ही नहीं। माँ का सर्वश्रेष्ठ गुण ममता है, और ममता नहीं है तो माँ नहीं है, स्त्री है। लेकिन राग को जब हम पनपने देते हैं, बढ़ने देते हैं, बड़ा होने देते हैं, तो ये मोह बन जाता है, और मोह फिर बंधन बनता है। धन से मोह हो गया, जब तक राग था कोई समस्या नहीं थी, जितनी कमाई थी उसमें आनंद से जी रहे थे। लेकिन राग बढ़कर जब मोह हो गया धन के साथ, फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं, फिर धन आना चाहिए कैसे ही आए, उचित अनुचित पुण्य पाप सब भूल जाते हैं जब मोह हो जाए। संतान के साथ मोह हो जाए तो बच्चा कितनी आवारागर्दी करे, बदमाशियां करे, गुंडों के साथ घूमे, कोई चिंता नहीं, मोह है, अपना बच्चा है, मानना ही नहीं कि बेटा ऐसा करता हो। यहीं से कर्म बंद बनने लगता है, जब अनुचित तरीके से धन इकट्ठा करने लगे तो कर्म बंद बनने लगे। जिससे ले लिया उसका वापस तो करना है, इस जन्म में नहीं करोगे अगले में करोगे, उससे अगले में करोगे। और जो उचित ढंग से सही ढंग से आ रहा था उसमें रस था, आनंद था, और अब जो आ रहा है इसमें रस नहीं। जितना अधिक धन होगा आत्मा उतनी अधिक बेचैन रहेगी, जितना अधिक कोई अमीर होगा उसके घर में आत्मा का सुख उतना ही कम होगा। वैराग्य इसका नाम नहीं है कि आपने भगवे कपड़े पहन लिए और जंगलों में चले गए या किसी साधु के मठ में जाके बैठ गए, ये वैराग्य नहीं। संसार का त्याग, परिवार का त्याग करने के बाद कर्मबंध अधूरे पड़े हैं, उनको पूरे कौन करे। वैराग्य मन का होता है, अंदर से वैराग्य होता है, बाहर का नहीं चाहिए, बाहर का तो दिखावा है। मोह जहां तक रहेगा वहां तक वैराग्य नहीं आएगा, क्योंकि मोह अविद्या है, अविद्या का नाम मोह होता है। अगर समझ हो कि ये नहीं करना है तो फिर करोगे नहीं, अविद्या है तो हो रहा है ना, समझ ही नहीं। जो कर रहे हैं वही अच्छा लग रहा है, वही उत्तम दिखाई दे रहा है। अब अविद्या जो है उसकी तीन शक्तियां हैं, पहली शक्ति है मन, दूसरी शक्ति है विक्षेप, और तीसरी शक्ति है आवरण। तो मल जो है वो हमारे संस्कार में पड़ा हुआ है, मैल, क्रोध, सबसे बड़ा मल क्रोध है, अंदर पड़ा हुआ है, किसी ने सिखाया नहीं हमें क्रोध कैसे करना है, हम कर लेते हैं। जरा सा हमारे अहंकार को चोट पहुंचे हम क्रोध में आ जाते हैं, ये क्रोध मल है जो अंदर पड़ा हुआ है। लोभ मोह जितने भी ये पांच विकार हैं ये मल है, और मल विक्षेप को जन्म देता है। विक्षेप क्या है? चंचलता, चंचल मन, कहीं टिकता ही नहीं, ईश्वर है कि नहीं क्या पता,
शायद है, शायद नहीं हो, है तो कुछ कर लें उसके लिए और नहीं है तो क्या करके लेंगे। श्राद्ध चल रहे हैं, पूर्वजों का श्राद्ध करके क्या मिलेगा, ब्राह्मण को खिला पिला के भेज देंगे दक्षिणा में, उनको कैसे पहुंचे, क्या लेना है करके, तो फिर आएगा नहीं, पूर्वजों के लिए इतना भी नहीं कर सकते, क्या फर्क पड़ता है, पंडित खा गया खा गया, कहीं टिकेगा नहीं, चंच ये विक्षेप। और विक्षेप से जन्म लेता है आवरण, पर्दा, पर्दा पड़ जाता है आंख के सामने, अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलता, पाप पुण्य का अंतर ही नहीं पता, जो करना है वो करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है ये भी नहीं पता, और जो कर रहे हैं उसको उत्तम समझ रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं। तो छांद्योग उपनिषद में इनके इलाज भी बता रखे हैं। मन दूर होता है निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है, मोह के बिना कर्म करो। संतान को पाल रहे हो तुम्हारा कर्म है पालो, पूरा ध्यान दो लेकिन मोह नहीं करो। पैसा कमा रहे हो कमाओ, मोह नहीं करो। मोह का त्याग जो है वो महत्वपूर्ण है। कर्म 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 छोड़ने का अर्थ नहीं है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का अर्थ ये भी नहीं है कि हम तो कर्म करेंगे फल जिसकी मर्जी है दे न दे, ऐसा भी नहीं, इसको भी नहीं निष्काम कर्म कहते। निष्काम है जिसमें तुम्हारी कामना ना उलझी हो। निष्काम कर्म से मर दूर हो जाता और उपासना से चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती। उपासना करो, साधना करो, भगवान को याद करो, उसका धन्यवाद करो जो कुछ उसने दे रखा है सबके लिए, तो चित्त की चंचलता स्थिर हो जाएगी। और आवरण हटेगा जब आत्मज्ञान आएगा, जब ये पता चलेगा मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां को जाना है, लक्ष्य क्या है, जब इसका बोध हो जाएगा तब जाकर के आवरण है। और जब तक आवरण है तब तक विस्मृति है, और विस्मृति है तो फिर पाप पुण्य का निर्णय करने वाला तो ढका पड़ा है आवरण से। पाप पुण्य का निर्णय करने वाला तो आपका विवेक है, और विवेक को आपने आवरण से ढक दिया, तो फिर कौन बताएगा पाप क्या है, पुण्य क्या है, करणीय क्या है और करणीय क्या है, कौन बताएगा? वो तो जब ही बताएगा ना जब उस पर से आवरण हटे। तो जनक ने अष्टावक्र ऋषि से तीन प्रश्न पूछे, वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या होता है और मुक्ति कैसे मिलती है। यही अष्टावक्र गीता का सार है जो मैं सुना रहा हूं। तीन प्रश्न जनक के, वैराग्य क्या है, ज्ञान कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। और ऋषि अष्टावक्र ने जवाब दिया कि वैराग्य आसक्ति त्याग से होता है। डिनाउंस योर अटैचमेंट्स, अपना मोह त्याग दो तो वैराग्य होगा। आसक्ति त्याग, आसक्ति अट्रैक्शन को कहते हैं, अटैचमेंट को कहते हैं, अटैचमेंट को डिनाउंस कर दो, अटैचमेंट को त्याग दो, डिटैच हो जाओ। डिटैच्ड को आम भाषा में हम क्या कहते हैं, बड़ा निर्मोही हो गया, तो निर्मोही ही तो होना है, निर्मोही ही तो होना। सबसे पहले तो अपने आप से मोह करना छोड़ना, अपने से ही बेहद मोह है। कोई आंख उठा के देखे तो सही हमारी तरफ आंख निकाल देना, ये अपने से मोह नहीं तो और क्या, देख लेने तो भाई उसको, आंख उठा के दो बार उठा ले तुम्हारे तो बिगड़ रहा है, लेकिन हम सहन नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने से मोह।
तो मोह जो है उसके त्याग से वैराग्य मिलता है, ये ऋषि अष्टावक्र ने जनक को समझाया। और ज्ञान कहां से आता है? मोह के हटने से आत्मदर्शन होता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जब अपना ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, कहां जाना है, तो फिर तो आंखें खुल गई, फिर ढका छुपा क्या रहेगी, फिर तो पता है ये संसार खिलौना है, मगर ये थोड़ा है कि खिलौने से खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, कब तक खेलेंगे, जब तक उससे बड़ा खिलौना नहीं मिलेगा। छोटे बच्चे को हम खिलौने खरीद के दे देते हैं और वो खेलता रहता है उनसे, एक खिलौना उसके हाथ से ले लो तो चीखे मारेगा, रोएगा, उसको मोह हो गया खिलौने से, बर्दाश्त भी कर सकता वो कि उसका खिलौना कोई ले, लेकिन जब स्कूल जाने लगता है, बस्ता बन जाता है, किताबें कापियां होमवर्क बन जाते हैं, तो फिर वो खिलौना कोई लेता, फिर उसको कोई चिंता नहीं, उससे बड़ा खिलौना मिल गया उसको। तो तुम संसार के खिलौने से खेल रहे हो, इससे बड़ा खिलौना ले लो, संसार के खिलौने से रस आना बंद हो जाए, उससे बड़ा खिलौना ब्रह्म है, वो ले लो, छोटे खिलौने को छोड़। और तीसरे प्रश्न का उत्तर, मुक्ति कैसे मिलती है? अष्टावक्र ने कहा, जब आत्मज्ञान आ जाता है तो मुक्ति स्वतः चली जाती है। मुक्ति क्या है? मुक्त होना, बंधन से हट जाना, बंधनों का टूट जाना, फ्रीडम को मुक्ति कहते हैं। तो तुम फ्री हो गए, जब मोह छोड़ दिया तुमने, तुम मोह से फ्री हो गए, तो फिर मुक्ति तो मिलेगी ही नहीं। और याद रखना, पीड़ा घाव में नहीं होती, पीड़ा अनुभूति में होती। आपके चोट लगी टांग पे, खून बह रहा है, लेकिन आपको पीड़ा नहीं होती, तो फिर बेहतर है, क्या ले लेगा, तो ज्यादा ही कपड़ा बांध लोगे तुम उसके, पीड़ा नहीं, खून बह रहा है। और किसी दूसरे के जरा सी खरोंच लगी है और उसको इतना दर्द हो रहा है कि वो चीखे मार, घाव तुम्हारा बड़ा था, तुम्हें पीड़ा नहीं हुई, उसका घाव ही नहीं था, खरोंच था, लेकिन उसको पीड़ा बहुत हुई, क्योंकि उसने उसकी पीड़ा को अनुभूति में ली, तुमने अनुभूति में नहीं लिया था। तो जितनी कहानियां हम सुनते हैं कि वो गुरु तेग बहादुर को जिस तरह से वो किया, गुरु अर्जन देव को जिस तरह से जलती हुई आग पर तवा रख के उसके ऊपर बिठा दिया और ऊपर से जलती हुई रेत डाल दी, तो वो पीड़ा उनको हो नहीं रही, क्योंकि वो अपनी देह से और देह के होने के अनुभव से, अनुभूति से ऊपर उठ चुके। मंसूर को फांसी चढ़ा दो, कुछ नहीं हुआ, मंसूर को कोई पीड़ा नहीं, पीड़ा अनुभूति में है, पीड़ा भाव में। और जब हम आत्मा की पीड़ा को अनुभव ही नहीं कर रहे हैं तो उस बेचारी की सार लेगा कौन? वो अपने मूल से बिछड़ी हुई है, वो अपने प्रीतम से बिछड़ी हुई है, वो अपने ब्रह्म से बिछड़ी हुई है। तुमसे कोई तुम्हारा पति 8 दिन के लिए छीन ले तो पागल हो जाओ, उसको जन्मों जन्मों से भूल रखा। आत्मा की पीड़ा को हम अनुभव नहीं कर रहे, हमारी अनुभूति में नहीं आ रही। और जिसकी अनुभूति में आत्मा की पीड़ा आ जाती है, फिर वो शरीर की, परिवार की, समाज की पीड़ा से ऊपर उठता है। और यही वैराग्य है, आत्मा की पीड़ा को अनुभव करना, आत्मा को पीड़ा से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना, और उस मुक्ति के प्रयास में
जितने आवरण पड़े हुए हैं अविद्या के उनको हटाना, ये वैराग्य। मैंने कभी ये नहीं समझाया कि राग से भागे, और मैंने कभी ये भी नहीं समझाया कि वैरागी जो तुमने देखे हैं उनके जैसे वैरागी हो जाओ, नहीं ऐसा, दोनों बातें गलत। अगर तुम्हारे अंदर राग नहीं है तो फिर संवेदनशीलता ही नहीं, यू कांट बी सिंपैथेटिक टू एनी बॉडी, है ही नहीं अंदर, राग ही नहीं, जड़ पत्थर जैसे हो जाओगे। इसलिए राग का त्याग नहीं, राग से उत्पन्न होने वाले मोह का त्याग है। और वैराग्य, मैं जैसा भी कहा, वैराग्य अपने अंदर ले आओ, बाहर का वैराग्य नहीं चाहिए, अंदर का। अपने मन को चंचलता से हटाना है, और मन की चंचलता हटेगी जब आपके पास मन को स्थिर करने की कोई वस्तु होगी, कोई इच्छा होगी। ईमानदारी से देखें तो हम चाहते ही नहीं कि हमारा मन अचंचल हो जाए, स्थिर हो जाए, क्योंकि रस आता है उसकी बेवकूफी में, वो कभी इधर की भाषा बोलता है, कभी उधर की भाषा बोलता है। छल, हम रस लेने लग गए मोह में, हम रस लेने लग गए संसार में। अच्छा लगता है, बेटे की नौकरी लग गई, बेटे की दुकान चल निकली, मेरी प्रमोशन हो गई, मेरा बैंक बैलेंस इतना हो गया, मैंने शेयर्स में पैसा लगाया था 4 गुना हो गया, रस आने लगा। मैं ये नहीं कहता ये सब नहीं करूं, करो जो उचित है, जो तुम्हारा विवेक समझता है कर लेना चाहिए वो करो, लेकिन डूबो नहीं उसमें। संसार सुंदर लगता है, अच्छी बात है, संसार में डूबो नहीं। जो आनंद लहरों के नर्तन का किनारे पे खड़े होके है वो नदी में कूद के नहीं, किनारे पे खड़े होके लहरों का नाचना देखो आनंद आएगा, कूद जाओ आनंद समाप्त हो गया, पहले तो अपने बचाने की इच्छा चिंता ही जागो कि कहीं ले ही ना जाए बाहर। और फिर नहीं भी, अगर तुम्हें तैरना बहुत अच्छा भी आता है तो तैरने में लग गए, लहरों का नाच कब देखा लहरों में कूद कर, लहरों का नाच तो बाहर खड़े होके रस दे रहा था, आनंद दे रहा था। उस आनंद की प्राप्ति के लिए, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद है, उसके लिए तुम्हें ये सब करना होगा, अपने अंदर वैराग्य लाना होगा। मांगो ईश्वर से जो मांगना चाहते, लेकिन मांगने का औचित्य भी देख, ये भी देख लो कि जो मांग रहे हो उसके अधिकारी हो, और जो मांग रहे हो वो मिल जाए तो क्या करोगे, सोचो कर। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, शिवजी पर जल चढ़ाता था, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था, हे परमात्मा मेरी लॉटरी निकाल दे। कई महीने जाता रहा और पुजारी तमाशा देखता रहा कि सवेरे ही आता है, पानी का लोटा हाथ में लेके शिवजी पर चढ़ाता है और हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी लॉटरी निकाल। तो एक दिन मंदिर में आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि भले आदमी टिकट तो खरीद ले, उसने कभी टिकट खरीदा ही नहीं लॉटरी का, और भगवान से रोज मांग रहा है मेरी लॉटरी निकाल। तो भाई जब टिकट खरीदोगे जब ही तो लॉटरी निकलेगी। तो हम कहते हैं हे प्रभु दर्शन दे, वो आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, फिर क्या करूं, फिर दर्शन हो जाए। उसको देखने वाली आंख तो बंद पड़ी है, इन आंखों से तो उसको नहीं देख सकते, वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, उसने आके खड़ा हो गया तुम्हारे सामने, मगर तुम नहीं देख सकते,
क्योंकि तुम अविद्या में बैठे हो। तुम इन आंखों से देखना चाहते हो शरीर की आंखों से, जिससे ब्रह्म कभी नहीं दिख सकता, असंभव। तीसरे नेत्र से देखना होगा और तीसरा नेत्र खोला ही नहीं तुम, और जिसका खुल भी गया है उसको अभी देखने का अभ्यास नहीं हुआ। तो इस नेत्र को खोले बिना मंदिरों में क्या गाने वाने गाती हैं औरतें, दर्शन दे भगवान, बड़ा जोर जोर से ढोल की तबले बजा के हारमोनियम बजा के दर्शन दे भगवान, वो दे देगा दर्शन, फिर क्या करोगे, दिखता तो है नहीं तुम। अंधा आदमी कह रहा है मेरे सामने आके खड़े हो जाओ प्रभु जी, हो जाएगा, देखने वाली आंख खोल, ये नेत्र खुल जाएगा और इसको देखना आ जाएगा, खुलेगा ही नहीं, इसको देखना आ जाएगा। तो ब्रह्म कब चाहते हैं कि मुझे तुम ना देखो, उसका तो अंश हो तुम, वो तो स्वयं चाहता है तुम देखो, बात करो मुझसे। और ये भी याद रखना, जब हम बोलते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हम बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहा। और जब वो बोलता है तो तुम उसकी आवाज केवल चुप रह के सुन सकते हो, मौन से सुन सकते हो, शोर में नहीं सुनेगी उसकी आवाज। और मौन तुम आने ही नहीं देते अपने अंदर, होंठों का बंद हो जाना मौन नहीं है, होंठ बंद हो जाए अंदर तो बोल ही रहे हो, अंदर बाहर दोनों का बोलना बंद करो, उसकी आवाज सुनेंगे, वो तो बोलता है। और तुम्हारे शोर के बावजूद बोलता है, जिसको तुम वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हो, जिसको तुम आत्मा की आवाज कहते हो, ये वही तो बोल रहा है, तुम उसको भी नहीं सुन रहे। जो आवाज तुम्हारे अंदर से आ रही है तुम उसको भी नहीं सुन रहे। और वो जो सारी सृष्टि के पार से बोलेगा फिर वो कैसे सुन लोगे, वो तभी सुनोगे जब मौन हो जाओ। कि मौन समाधि तुम करते अंदर बोल रहे होते, होंठ बंद है अंदर बोल रहे, ये अंदर का बोलना बंद तब होगा जब मौन समाधि का अभ्यास हो जाएगा, बाहर का बोलना बंद हो गया 50% काम हो गया, 50% बाकी पड़ा है अंदर का बोलना बंद करना। और वो बंद करने के लिए आंख बंद करके 15-20 मिनट आधा घंटा जो समाधि में बैठे हो उसी से लड़ो कि मुझे विशुद्ध मौन चाहिए। और विशुद्ध मौन प्राप्त करने का सबसे बढ़िया साधन है मंत्र, अपने आप को मंत्र में ढाल दो, रिचुअल नहीं बनाओ मुंह से मंत्र बोल रहे, मंत्र तुम्हारा स्वरूप बन जाए, मंत्र को मित्र बना दो। एक मिनट भी मंत्र का तुम्हारे मन से परे हटना, तुमसे सहन ना, कोई मंत्र नहीं, मंत्र की शक्ति से तुम विशुद्ध मौन को जाओगे और विशुद्ध मौन में उसकी आवाज सुनोगे। और तुम्हारी तो जा ही रही है, जब दोनों आवाजें आने जाने लगेंगी तो संवाद बनेगा, लेकिन इस संवाद को राग के मोह रूप के रहते हुए नहीं बनाया जा सकता, इसको वैराग से ही बनाया जा सकता। और वैराग जब अंदर आ जाएगा तो राग अपने आप हटेगा, राग को हटा के ही तो वैराग में आना है। इस म्यान में दो तलवारें तो आ नहीं सकती, तो एक तलवार राग की अंदर पड़ी है म्यान में, वैराग की आनी है तो राग वाली अपने आप निकलेगी तो वैराग के अंदर आएगी, लेकिन उसको लाना है। और जब उसको ले आओगे फिर आनंद की अनुभूति भी परमानंद में बदल जाएगी। अभी तो तुम आनंद भी नहीं ले रहे हो, संसार से रस ले रहे हो, आनंद नहीं है,
क्योंकि आनंद जो है वो परमानेंट होता है। शब्दों का प्रयोग है, हम कर लेते हैं, पिक्चर देखी, आनंद आ गया। आनंद कहां से आ गया? खुशी हुई, अच्छा लगा, आनंद नहीं। आनंद वो है जो आके जाए नहीं। छोटी छोटी खुशियां हैं, आती जाती रहती हैं, इसको रस कहते हैं। पिक्चर देखी, रस आया। अच्छा खाना खाया, रस आया। किसी व्यक्ति से मिले, अच्छा लगा, रस आया। आनंद आया नहीं। और आनंद से भी परे का आनंद है परम आनंद, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ड्रीम्स। परम आनंद कहां मिलेगा? परम आनंद केवल मोक्ष में मिलेगा, मुक्ति में भी नहीं। मोक्ष आएगा, मोक्ष का मतलब लकड़ी कितनी ही खराब हो, कितनी ही खराब हो, घुन लगी हो, दीमक लगी हो, कुछ हो, कितना ही मल हो लकड़ी में, जब जल जाती है, जब उसको आपका सत्संग मिल जाता है तो राख बन जाती है और उसके सारा मल समाप्त हो चुका होता है। राख अपने आप में ही पवित्र नहीं है, तुम्हारे बर्तनों को, हाथों को भी पवित्र करती है। लेकिन बर्तन को कितनी ही राख मलते रहो, वो साफ तो हो जाएगा, उसका मल तो चला जाएगा, लेकिन उस पर निखार कब आएगा? जब उसको पानी का स्पर्श मिलेगा। तो राख बनाओ मंत्र, गला दो अपने भीतर का सारा मल, ताकि पवित्र राख बन जाओ। और इस राख को इतना मलो कि तुम्हारा मोह भी, आप तुम्हारा संस्कार जन्य मोह जो है वो निर्लेप हो, त्याग हो जाए उसका, और नहीं बैठ लो, त्याग हो जाए उसका, और तुम अपनी उपासना के जल से मल को धो डालो तो निखार आ जाए। फिर माणिक मणि मोती, जिसको ऋषियों ने कहा है, तुम उस रूप में ब्रह्म के सामने प्रस्तुत होगे, और जब मोक्ष मिल जाएगा तो फिर बाकी सब कुछ पीछे रह जाएगा। मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों को जो ध्यान करते हो, मेरा आशीर्वाद। समझ लो, अपने मन में वैराग्य लाने का संकल्प बनाओ, अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाने का साधन बनाओ, और अपने जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का संकल्प बनाकर दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर चलो। ईश्वर कृपा करेगा, सहाय होगा, मेरा भी आशीर्वाद।